News 18, India. बीच आपको बता दें, देश की सबसे बड़ी ड्रग्स जब्ती मामले से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 3500 करोड़ रुपए के ड्रग्स मामले में पुलिस ने सिंडिकेट के मास्टरमाइंड की पहचान करने का बड़ा दावा किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और पुलिस के मुताबिक देश भर में ड्रग्स के इस काले कारोबार को संदीप धुनिया नाम का आरोपी चलाता है, जो काठमांडू के रास्ते कुवैत भाग गया है। संदीप धुनिया को पकड़ने के लिए पुणे पुलिस इंटरपोल से नोटिस जारी करवाने की तैयारी में है। इस मामले में हवाला के जरिए लेन देन के सुराग मिलने का भी बड़ा दावा यहां पर किया जा रहा है और यह तस्वीर भी जारी कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे सिंडिकेट का जो मास्टरमाइंड है उसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जानकारी मिल पा रही है कि नारकोटिक्स ब्यूरो कंट्रोल और पुलिस के मुताबिक देश भर में ड्रग्स के इस काले कारोबार को यही शख्स जो है वो आगे चलाता था और इसका नाम है संदीप धुनिया। अब जानकारी मिल पा रही है कि काठमांडू के रास्ते ये फिलहाल कुवैत भाग गया है। हालांकि देखिए, तैयारी पूरी की जा रही है, पूरे पुलिस की तरफ से इंटरपोल से नोटिस जारी करवाने की भी तैयारी की जा रही है और इसी मामले में हवाला के जरिए लेन देन के सुराग मिलने के भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। पुणे ड्रग्स रैकेट में पुलिस ने अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस रैकेट का मास्टरमाइंड संदीप धुनिया कुवैत फरार हो गया है। अब सूत्रों का दावा यह भी है कि पुलिस उसे कुवैत में ही दबोचने के लिए जाल बिछाने में जुटी हुई है। अलग अलग 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको यह भी बता दें कि 3500 करोड़ के ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जानकारी लेने के लिए पुणे पहुंची है। खबर तो यह भी है कि ड्रग्स आपको बता दें कि इस ड्रग मामले में हवाला के जरिए पैसों का लेन देन हुआ है और इसी की जांच अब आगे बढ़ाई जा रही है। तो देखिए, मास्टरमाइंड का पता चल पाया है कि कौन ये मास्टरमाइंड है। हालांकि ये जानकारी मिल पा रही है कि मास्टरमाइंड अब कुवैत भाग गया है, लेकिन अब तक क्या अपडेट इस पूरे मामले में निकला है आपको बता दें, अब तक पुणे ड्रग्स रैकेट का एक कुवैत कनेक्शन सामने आया है। संदीप धुनिया जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है वो काठमांडू के रास्ते कुवैत भाग गया है, ये जानकारी निकल कर आ रही है। संदीप धुनिया के काठमांडू से कुवैत भागने का ये बड़ा दावा यहाँ पर किया गया। इस बीच इंटरपोल से नोटिस जारी करवाने की तैयारी पुणे पुलिस की तरफ से की जा रही है। ड्रग तस्करी में हवाला के जरिए लेन देन के सुराग भी मिले, ये भी बड़ा दावा किया गया है। और ड्रग्स रैकेट में अब तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस बीच दिल्ली से भी 970 किलो ड्रग्स पुणे रवाना की गई है, वहां पर भी जो है छापेमारी की गई थी दिल्ली में, और दिल्ली से गिरफ्तार 4 आरोपियों को पुणे भेजा भी गया है। इस बीच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जानकारी लेने फिलहाल पुणे पहुंची हुई है। पुणे पुलिस ने अब तक 3500 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त भी किए हैं और इस बीच अंडरवर्ल्ड और टेरर एंगल की जांच भी पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में की जा रही है। और देश की सबसे बड़ी ड्रग जब्ती की शुरुआत 20 फरवरी को तब हुई जब पुणे पुलिस ने एक फैक्ट्री में छापा मारा और फिर उसके बाद दिल्ली और सांगली से ड्रग्स की बरामदगी होती है। दिल्ली से बरामद हुई ड्रग्स लेकर पुलिस पुणे रवाना हो गई। दिल्ली से कंटेनर में भरकर एमडी ड्रग्स को दिल्ली से पुणे भेजा गया और इसके साथ ही दिल्ली से पकड़े गए 4 आरोपियों को भी पुणे भेज दिया गया। इस बीच पुणे के पुलिस कमिश्नर ने दावा किया कि ड्रग्स रैकेट में उन्हें जांच के दौरान हवाला के जरिए लेन देन के बड़े सुराग मिल गए हैं। इतने बड़े पैमाने पर ड्रग्स का ऑर्डर कौन देता था और उसका इस्तेमाल आखिर होता कहाँ था, इसकी जाँच इस वक्त पुलिस की तरफ से की जा रही है। उधर आपको बता दें, पुणे के साथ साथ देश के कुछ और इलाकों से भी ड्रग्स पकड़े जाने की खबर सामने आ रही। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से एक महिला के साथ कुख्यात ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से नकदी और हेरोइन जैसी चीजें मिली हैं। वहीं पंजाब के फिरोजपुर की बात करें तो पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से 0.5 किलो हेरोइन जब्त की है। पाकिस्तान जोन भी यहां पर बरामद किया गया है। तो 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कश्मीर से पंजाब तक ये ड्रग्स का काला कारोबार जो है वो फैला हुआ है और किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में भी एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं हेरोइन के साथ ड्रग्स भी जब्त किए गए हैं फिरोजपुर पंजाब की। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और गुजरात के जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी मुंबई के मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को सभी 3 मामलों में बेल मिलने के बाद वहां भी रिहाई नहीं मिली है, ये बड़ी खबर है। मुफ्ती सलमान के खिलाफ गुजरात पुलिस ने गुजरात असामाजिक गतिविधियों की रोक